जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, जब से कोरोना वायरस दुनिया में आया है उसका जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। जैसे हम लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं, वैसे ही ये अपना नाम चेंज कर रहा है। पहले 2019 में इसका नाम COVID-19 था, फिर 20 आया, COVID-20 हो गया, अब इसका नाम बदलकर SARS हो गया है 2021 में। और इसी को चलते सऊदी अरब बार बार फ्लाइटें एक्सटेंड कर दे रहा है। इंडिया के लिए तो पहले भी ओपन नहीं हुई थी, लेकिन कुछ कंट्रियों के लिए ओपन हो गई थी, जिनमें पाकिस्तान है, UAE है, USA है। लेकिन फिर से सऊदी अरब ने 20 कंट्रियों के लिए फ्लाइटें बैन कर दी है। और ये कितने दिन के लिए की है इसका अनाउंसमेंट नहीं किया है। कुछ लोग बोल रहे हैं 14 डेज के लिए, लेकिन ये फिर एक्सटेंड होगा और पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। इस सब के चलते लोगों को काफी दिक्कत तो हो ही रही है, लेकिन आने वाले टाइम में और भी परेशानी बढ़ने वाली है। क्योंकि सऊदी अरब का आपको पता है, सऊदी अरब अभी फिर से जैसे कि उसने अनाउंस कर दिया है, अपने रेस्टोरेंट, जिम, स्टेडियम, जहां पर भी उन लोगों को लगता है कि यहां पर लोग काफी इकट्ठे हो सकते हैं, गैदरिंग हो सकती है, सऊदी अरब में जो ये नया SARS का जो वायरस है ये सब लोगों के बीच में ना फैले। तो जैसे पहले COVID-19 में आप लोगों को अपनी तवक्कलना ऐप में रजिस्टर करने को बोला गया था, और आप किसी भी बैंक में या फिर आप किसी भी रेस्टोरेंट में या फिर कहीं भी आप एंट्री लेते थे तो वहां पर गेट पर ही आपका तवक्कलना ऐप चेक किया जाता था। फिर से ये सिस्टम लागू होने वाला है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप तवक्कलना ऐप में रजिस्टर हो सकते हैं और रजिस्टर अपने आप को करवा सकते हैं। अगर आपका अफसर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका तवक्कलना ऐप बन जाएगा। मैं इस वीडियो में एक इतना यूनिक सा एक तरीका आपको बताऊंगा, अगर आपके फ्रेंड के पास में कोई अफसर अकाउंट है तो वो भी आपका तवक्कलना अकाउंट बना सकता है बिना अफसर अकाउंट बनाए। या फिर अगर आपने अपनी फैमिली को यहाँ पर बुलाया हुआ हो और अपनी आप अपनी फैमिली को साथ में लेकर के कहीं बाहर जाना चाहते हो तो उनको भी तवक्कलना ऐप की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपने अफसर से ही अपनी फैमिली को भी तवक्कलना ऐप में रजिस्टर कर सकते हैं, उनका भी तवक्कलना ऐप आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें एकामे की इतनी जरूरत नहीं है, इसको आप बॉर्डर नंबर से या फिर दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, किस तरीके से आप अपने अफसर से दूसरों का तवक्कलना ऐप बना सकते हैं, आपका फैमिली, फ्रेंड, दोस्त, यार, कोई भी हो, किसी का भी आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन लोगों की हेल्प के लिए शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अब ओपन कर लेता हूं अपना अफसर अकाउंट, आगे का प्रोसेस वहीं पर बताऊंगा, चलिए शुरू करते हैं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मैं आ चुका हूं अपने अफसर अकाउंट पर और मैं यहीं से आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फैमिली, फ्रेंड, यार, दोस्त या फिर अपने बच्चों को किस तरीके से अपने अफसर अकाउंट से तवक्कलना ऐप में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जिस बंदे को आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि उसका अफसर अकाउंट हो, आप अपने ही अफसर अकाउंट से किसी को भी तवक्कलना ऐप में रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसका प्रोसेस मैं आपको ये इस वीडियो में कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं अपने अफसर पर आ चुका हूँ और यहाँ से मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, लॉगिन के लिए मैंने अपना अफसर डाल दिया है और अब जस्ट हमें एक OTP आएगा। OTP मेरे फ़ोन पर आ चुका है और OTP मैं यहाँ पर डालकर लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद में हमारे सामने हमारा अफसर ओपन हो चुका है और यहीं से मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने अफसर के डैशबोर्ड पर जहाँ पर ये ओपन होगा और वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है सर्विस वाला ऑप्शन। आपको वहाँ पर सर्विस वाला ऑप्शन दिख जाएगा तो उसी पर आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने सबसे लास्ट में आप देखिए नीचे जनरल सर्विस दिखाई देगा, आपको जनरल सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। जनरल सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पर रजिस्टर ए मोबाइल नंबर फॉर तवक्कलना, उसी पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो एक नया फॉर्म टाइप आपके सामने ओपन हो जाएगा और वहाँ पर लिखा हुआ है
द सर्विस अलाउ ए रजिस्टर्ड ए मोबाइल नंबर फॉर तवक्कलना कैन सबमिट द इंफॉर्मेशन ऑफ सिटीजन और रेजिडेंस ए विजिटर अप्रूव टू रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट यूजिंग तवक्कलना इफ दे करंटली डजेंट हैव अब्सर अकाउंट। ठीक है, ये पढ़ने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक फॉर्म ओपन होगा और यहीं पर हमें उसकी यहाँ पर डिटेल डालनी है जिसका हम तवक्कलना ऐप बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है पर्सन आईडी, यानी कि अगर बंदा अकामे वाला है, उसके पास में अकामा है, तो यहाँ पर आप अकामा आईडी डाल सकते हैं। अगर उसके पास में अकामा नहीं है तो यहाँ पर आप विजिट वीज़ा नंबर भी डाल सकते हैं, यानी कि बॉर्डर नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उसके नीचे मोबाइल नंबर, और फिर यहाँ से आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें कन्फर्म कर देना है, यानी कि टिक मार लगानी है और नेक्स्ट पर जस्ट क्लिक कर देना है। तो मैंने इस ऐप में ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा था। आगे का प्रोसेस मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको जो कॉलम दिखाई दे रही है पर्सन आईडी, इसमें अगर आप किसी उस बंदे का बना रहे हैं जिसके पास में अकामा है तो आपको यहाँ पर अकामा नंबर डाल देना है। लेकिन आप अपनी फैमिली का बना रहे हैं या फिर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास में अकामा नहीं है तो यहाँ पर आप बॉर्डर नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर नंबर जो कि जब वीज़ा स्टैम्प होती है तो उस पर 10 अंकों का एक बॉर्डर नंबर होता है, वो डाल देना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर उसी का डालें जिसका आप तवक्कलना बना रहे हैं और नेक्स्ट पर जस्ट क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको पर्सन आईडी दिखाई दे जाएगी जो आपने डाली है और यहाँ पर पर्सन का नाम, ये दोनों चीज़ें आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर हमने डाला था उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको 4 डिजिट का डाल देना है। वही नंबर यहाँ पर आपको डालना है जिसका आप यहाँ पर तवक्कलना बना रहे हैं, उस पर 4 डिजिट का एक कोड आएगा, वो आप यहाँ डालकर नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद में अकाउंट वाज सेंड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर हमारा जो तवक्कलना में रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप उसका मोबाइल नंबर, अकामा आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आसानी से तवक्कलना में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, चाहे उसके पास में अब्सर अकाउंट हो या ना हो, क्योंकि तवक्कलना में रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। और एक दो दिन के बाद में सऊदी अरब में लॉकडाउन होने वाला है, जो आसार लग रहे हैं। काफ़ी जगहों पर ये गैदरिंग वाला सिस्टम अभी बंद कर दिया है, ज़्यादा लोग कहीं पर इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इसीलिए आप भी अपना तवक्कलना में रजिस्टर कर ले। अगर अपने विजिट वीज़े पर अपनी फैमिली को बुलाई हुई है और उनका तवक्कलना नहीं बनाया हुआ है तो उनके लिए आप तवक्कलना बना दें, ये काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा।